हेलो नमस्ते आदाब। तो मैं अभी जिस जगह हूँ, ये जगह का नाम है अम्बा और ये झारखंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर लाइन में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ क्या क्या काम होता है और क्या नहीं। ये छोटा सा मार्केट है तो अभी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद वो लोकेशन में लेके जाऊंगा जहाँ पर हाथ का काम होता है वो आपको दिखाऊंगा। तो ये मार्केट है अम्बा का, तो आप आपको वो जगह लेके चलेंगे जहाँ पर मछिया वगैरह बनता है। इधर अम्बा में एक फेमस है डॉम पड़ा कहीं तेतल तला, जहाँ पर मछिया वगैरह बनता है। किधर किधर जाना पड़ता है? बाया तरफ, तो आगे से बाएं। हाँ। अच्छा हाँ, एक मेड बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है आप बताइए। आप हम लोग जाते हैं इधर, हम लोग जो कटारी है ना, उसको लेके हम लोग जाते हैं इधर गांव में, जाते हैं बांस लेके हम लोग काटने के लिए जाते हैं। फिर काटने के बाद हम लोग ले आता है कांधे पर, कांधे पर लेके हम लोग इधर मोहल्ला पे लाके हम लोग काटते हैं। पहले छोटा छोटा उसको बनाता है, उसको बाद जो अच्छा सुनिए ना, आप दिखाइए स्टेप बाय स्टेप के पहले क्या क्या होता है। हम लोग लाते हैं ना गांव से, कई गांव से काट के, तो पहले इसको काटना पड़ता है। अच्छा, इससे पहले काटा जाता है। उसको बाद जो होता है ना, इसको फिर ऐसा करके काटना पड़ता है, छोटा छोटा करके। फिर छोटा छोटा करके इस तरह काटा जाता है, काटा जाता है। इसके बाद बोलिए, इसके बाद इसको बाद जो काटने के बाद इसको धूप में सुखाना पड़ता है। धूप के उसके बाद सुखा के उसको पेंट करना पड़ता है। अच्छा, पेंट करने से बाद इसको इसी तरह से बनाना जाता है। अच्छा, बोलिए। उसको बाद हम लोग जाते हैं तेल पेड़ काटने के लिए, ताल का। हाँ। तो उसी को बाद इसको हम लोग लाते हैं उधर जंगल से, उसके बाद यही फिनिशिंग होता है। इसमें इसको खरीदना पड़ता है, ये 200 रुपए किलो हो जाता है। और ये प्लास्टिक 200 रुपए किलो है। ये फिनिशिंग टच है। हाँ, फिनिशिंग होता है। अच्छा, हाँ, इसको जो हम लोग पेंट करता है ना, तो ये सब रंग हम लोग को दुकान से खरीदना पड़ता है। अच्छा, उसको बाद हम खरीद के लाते हैं, तो लेडीज लोग ये सब पेंट करते हैं, तो यहाँ तो नहीं आता है काम करने के लिए पेड़ के सामने, वो लोग घर में काम करता है, घर में बैठ बैठ के काम करते हैं। तो चलिए दिखाइए ना। हमें ले जा रहे हैं जो मेड़ का, जो वो बांस का काटा हुआ मोड़ा बोलता है, मोड़ा जिसको मोड़ा बोला जाता है, मोड़ा बोला जाता है इसको। अच्छा, इसको जो हम लोग हिंदी बंगला में बोलता है मोड़ा। अच्छा, और हिंदी में बोलता है कि मछिया बोलता है, मछिया बोलता है। अच्छा अच्छा, चलिए 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 दिखाइए। तो ये मछिया बनने के लिए जो बांस का छोटा छोटा काटा जाता है, उसको पेंट कहाँ होता है वो हमको दिखाने ले जा रहे हैं। ये इनका घर है और देखिए बहुत सारे ये कटा हुआ है यहाँ धूप में, इसको मैं सब बनाता है। इसको धूप में हम लोग जो दिए है, इसको धूप में देके फिर इसको पानी में भिजा के बनाना पड़ता है। अच्छा, ये धूप में क्या दिन सूखने देना पड़ता है? ये धूप में कम करीब करीब मानिए दो दिन तीन दिन लगता है सुखाने के लिए, दो तीन दिन लग जाता है। हाँ, फिर उसको हम तालाब में उसको डुबा के रखते हैं। तालाब में डुबा के रखते हैं उसको, फिर उठा के लाते हैं, उसको बाद इसको काम चालू करना पड़ता है हम लोग। अच्छा अच्छा, लोग यहाँ पेंट करके रखे हैं। ये सब पेंट करके रखे हैं।
इधर मोढ़ा बनाया हुआ है, इधर स्टोर रूम है ये। अच्छा ये देखिए कितना सारा मोढ़ा जो बोल रहे हैं, जिसको मचिया बोला जाता है हिंदी में, बना हुआ है ये सब। देखिए उसको धूप में जो सुखा रहा है ना, हाँ, उसको बाद इसको पानी के डुबा के ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको बनाना पड़ता है हम लोग को। अच्छा और इससे बांधा जाता है ना, इसमें बांधा जाता है उसको। ये वाला पार्ट जो है ये इसी से बांधा जाता है, इसी से बांधा है। ताल का पेड़ से जो डंटी काटते हैं ना, हाँ हाँ, उसी में छिल के वो छिल। अच्छा अच्छा समझ गया समझ। और एक ये सब अपना हम लोग को, और एक रूम में यहाँ बना हुआ मचिया है। इधर लोग बना बना के तैयार करके, अच्छा तैयार करके थोड़ा थोड़ा करके, जैसा किसी महीना में 100 बनाया, किसी महीना में 50 को बनाया, जैसा हम लोग को चलता है पेट ऐसा। इसके बाद हम लोग जाते हैं तो इधर बेचने के लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा ये सब भी बनाते हैं हम लोग। हाथ वाला पंखा, हाँ हाथ वाला पंखा भी बनाता है। अच्छा तो बताइए, सबसे पहले बताइए कि इस काम से कितनों साले से जुड़े हुए हैं? हम लोग को मालूम है, हम इतना मालूम नहीं है। जब हम लोग ये धरती में जन्म लिए हैं, अच्छा उसी दिन से चल रहा है। मेरा पिताजी गुजर गया है, मेरा दादाजी भी गुजर गया। ये सब काम पूर्वजों से चला आ रहा है, यही बात है ना जी। अच्छा अच्छा, आप बताइए कि मतलब एक मचिया बनाने में कितना खर्चा पड़ जाता है? 50 रुपया? हाँ 50 रुपया तक खर्चा बैठ जाता है। उसको बाद हम लोग जो जाते हैं ना, तो हम लोग इधर बेचने के लिए पहले हम लोग जाते थे UPMP इधर बेचने। तो UPMP बेचने कौन जाता है, आप ही लोग जाते हैं? हाँ हम लोग खुद ही सब बेचने के लिए पहले जाते थे। पहले अभी लॉकडाउन के बाद जब इधर लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम तो बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग को घर से नहीं निकल पा रहा है, तो इधर ये सब कहाँ के इधर इतना दूर कैसे ले जाएगा। अच्छा, उसको बाद जो हम लोग बैठ गया तो 2-3 साल बैठ गया था, तो उसी को बाद हम लोग थोड़ा थोड़ी लेके इधर रांची उची में जाते हैं। हाँ। तो इतना तो दाम तो नहीं मिल रहा था लॉकडाउन के बाद। उसको बाद हम लोग जाते हैं तो इधर कितना करके बेच रहा है हम लोग, 50 रुपया 60 रुपया ऐसा करके हम बेच के हम लोग किसी तरह रोजी रोटी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मतलब हाँ मेरे को मचिया यहाँ से खरीद के लेके जाएंगे, अगर मान लीजिए वो वाला वो बड़ा वाला दिख रहा है, तो उसका बनाने रेट क्या है और कितना में बेचेंगे आप? वो बनाने में कितना पड़ेगा, वो 60 रुपया 70 रुपया पड़ता है। और अगर हम अभी खरीदेंगे तो कितना में बेचेगा? उसको बेचेंगे जोड़ी पड़ जाता है 200। जोड़ी 200, तो मतलब एक पीस का 100, यही बात है ना? वो स्पेशल मड़ा है ना, ये चालू वाला नहीं है, वो डबल वाला है। ये चालू वाला है। 50 रुपया ये 50 रुपया इसका बनाने में पड़ जाता है। अब बेचते कितना में है? 60, 80, 100 जहाँ मिलता है। मात्र अपना मेहनत 10-20 रुपया बचता है, 10-20 रुपया बचता है, पेट चलता है। अरे बाप, जैसे कि आप लोग देखें कि मतलब एक मचिया बनाने में लगभग अगर छोटा भी बने तो 50 रुपया लग जाता है, और थोड़ा सा उससे बड़ा बने तो 50-60 रुपया 60-70 रुपया लग जाता है। तो जैसे कि बता रहे हैं कि मात्र 10 या 20 रुपया का मुनाफा में बेच देते हैं, मतलब इतना मेहनत इतना सारा काम, वो भी 10-20 रुपया के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसे सोचने वाली बात है।